शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब जाति कार्ड खेल दिया है। पार्टी ने सिसोदिया के बहाने राजपूतों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताते पार्टी गुजरात में राजपूतों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती दिख रही है। तो वहीं सोमवार को सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केसेस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। जिसके बाद भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और अब चोरी के आरोप में जेल जाना है तो जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप के वंशज दारू बेचने भ्रष्टाचार का कारोबार नहीं करते, उन्होंने तो देश विरोधी ताकतों को खत्म किया था और आप सब देश विरोधी ताकतों से कंधा मिलाकर चलने पर विश्वास रखते हैं। अब इस वार पलटवार के खेल में सोमवार को सुबह से हैशटैग महाराणा प्रताप ट्रेंड करने लगे। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया को अब क्यों याद आ रहे हैं महाराणा प्रताप। दरअसल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से करीब एक दशक पहले उपजी पार्टी इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे मौके पर पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से पलटवार कर रही है। पार्टी ने हमले को ही हथियार बना लेने की रणनीति के तहत सिसोदिया को एक तरफ कट्टर ईमानदार और दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताकर बचाव कर रहा है। पार्टी ने हमले को ही हथियार बना लेने की रणनीति के तहत सिसोदिया को एक तरफ कट्टर ईमानदार और दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताकर बचाव किया तो अब उनकी जाति के सहारे भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश की जा रही है। गुजरात में राजपूतों की अच्छी संख्या है और पार्टी उनके सामने सिसोदिया को एक प्रताड़ित राजपूत के रूप में पेश करने का फैसला कर चुकी है। पार्टी को उम्मीद है कि गुजरात में राजपूतों की सहानुभूति से कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि ये राजनीतिक दावपेच तो जारी रहेंगे, लेकिन आखिर में नेताओं के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।